क्या समझते हो तुम? फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट है जिसमें जो हमारे क्या कहते हैं फंड्स होते हैं ना, उनका एक्सचेंज होता है. किस किस के बीच में? क्या कहते हैं फंड्स का होता है ज्यादातर हाउस होल्ड्स और जो उनका होता है हाउस होल्ड्स और मार्केट हाउस होल्ड्स और वो क्या कहते हैं अरे वो हाउस होल्ड. हाँ फर्म फर्म हाउस होल्ड और फर्म का बिजनेस बैंक के साथ होता है. मतलब ये एक मार्केट प्लेस होती है उधर हाउस होल्ड का, मतलब हाउस होल्ड जो सेविंग्स करके रखते हैं उनका, और जो फर्म्स होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं फर्म फंड्स की जरूरत होती है उनका, और बैंक जो लोन देती है उनका उनका होता है मार्केट. अच्छा, हाउस होल्ड से क्या मतलब समझते हो तुम? हाउस होल्ड वो होता है जो हाउस होल्ड जो कि नॉर्मल जो हम जैसे होते हैं जो सेविंग्स करके रखते हैं और उन सेविंग्स को या तो इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे या फिर सर्विसेज रखते हैं अपने पास, जैसे कि सेविंग्स तो हो गया, सर्विसेज जैसे कि वो चीजें रेंट पे देते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं सर्विसेज में हो गया उनके पास एक जमीन है तो एक फर्म को उन्होंने वो जमीन रेंट पे दे दी, तो उस टाइप की सर्विसेज देते हैं वो और सेविंग्स के लिए. बट मार्केट वाले जैसे इस चैप्टर में तो उनके पास सेविंग्स होती है, ये उसके ऊपर है ये वाले में, तो कि उनके हाँ, पास सेविंग्स होती है तो वो सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास मार्केट एक्सचेंज वो आ जाता है, फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है जहां पे वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं. अच्छा, तो सेविंग्स के ऑप्शन क्या होते हैं इन्वेस्टर को? सेविंग्स के कैसे अगर मैं सेविंग करना चाह रहा हूँ, सेविंग मेरे पास पैसे हैं, सेव एक्स्ट्रा मनी है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? उसके मेरे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं? एक तो ये ऑप्शन है कि मैं उनको क्या कहते हैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं, हाँ, कोई कहाँ इन्वेस्ट एसेट करूँ? जैसे एसेट ले लिए लॉन्ग टर्म पे एसेट्स ले लिए, या तो मैंने उनसे क्या कहते हैं कुछ शेयर्स खरीद लिए अलग कंपनी का ओनरशिप ले लिया, और या तो मैंने क्या कहते हैं उनको और क्या हो सकता था तुम्हारे पास और एक्स्ट्रा पैसे हैं तो तुम क्या करते हो? शेयर मेरे को उन्हें ऐसे खरीद लेते हो? नहीं खर्च कर देता हूँ. नहीं, खर्च तो कर खर्च करने के बाद भी तुम्हारे पैसे बचते हैं, किसी का पैसे बचते हैं तो क्या क्या कर सकता है? वो उनसे वो जमा जमा करके कर सकता है। कहाँ जमा कर सकता है? बैंक बैंक में। बैंक में किस किस तरीके जमा करता है वो? बैंक में मतलब पैसों से मतलब कैश में मतलब हाँ, कैश जब वो जमा करता है तो वो कहाँ जमा करता है? बैंक में मतलब अगर बैंक में जाऊं मैं, कहूँ ये बस ये जमा कर रहा तो हो जाएगा जमा? मेरे पास ऑप्शन होते हैं ना बैंक में जमा करने के लिए। हाँ, अच्छा, वो वाले ऑप्शंस. ओके ओके. एक तो होता है, एक तो तीन ऑप्शंस होते हैं ना, एक तो सेविंग्स अकाउंट्स होता है, सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा एक बिजनेस अकाउंट होता है, और मतलब हाँ, और एक होता है, एक वो एफ से कुछ नाम है उसका, हाँ ठीक है, एफ से नाम है, फिक्स्ड। हाँ फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट क्या फर्क है सेविंग बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में? सेविंग्स में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, बट उसमें हम पैसा अपना कभी भी निकाल सकते हैं, बट मतलब इतना भी नहीं निकाल सकते जितना कि बिजनेस अकाउंट में निकाल सकते हैं, लेकिन जो वो होता है क्या कहते हैं दूसरा वाला जो है कि से भूल गया मैं, जो भी उसमें उनमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है लेकिन उसको हम निकाल नहीं सकते जल्दी से. हाँ, वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हाँ हैं। ठीक, फिक्स डिपॉजिट फिक्स. याद रखो, ऐसे तो फिर बात ही नहीं है। चलो, वो तो एक अलग बात हो गई। अब हाँ हम अच्छा, वो सेविंग बैंक में रखे एफडी में क्यों इसलिए रख क्यों रखता है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है और अब उसके मान लो वो कहता है यार, एक तो एक ऑप्शन में फिर बैंक बैंक में मैं डाल दूं, दूसरा वो कहता है कि मैं थोड़ा और ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, वो क्या करता है? साथ फिर वो क्या कहते हैं उससे इन्वेस्ट कर देता हाँ, कहाँ करता है?
इन्वेस्ट मतलब कहाँ से? फाइनेंशियल मार्केट से? हाँ फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो हाँ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट किस किस को मिलाता है? फाइनेंशियल मार्केट मिलाता है हाउस होल्ड्स फाइनेंस क्या कहते हैं फर्म्स और बैंक को एक मार्केट में मिलाता है मतलब नहीं, हाउस होल्ड बैंक्स और फर्म्स को वो मिलाता है। नहीं, जो जो ये जो पैसा है, जो सेविंग बैंक से, जो जो सेवर्स यूज करते हैं पैसा एक्स्ट्रा मनी को, तो वो किसको देते हैं? वो फाइनेंशियल मार्केट में। अच्छा फाइनेंशियल मार्केट में चलो, फर्म्स हैं? हाँ को फर्म्स को, हाँ फर्म्स को देते हैं। क्यों देते हैं फर्म्स को? ताकि वो कर सके, उनके सर्विसेज खरीद सके या फिर उनके जो सर्विसेज भी, ताकि वो उनके सर्विसेज को वो कर सके, सर्विसेज को वो कर सके मतलब ले सके उनकी, मतलब क्यों? जो सर्विस, उसका सर्विस, पैसा लेके सर्विस लेगा उनसे वो? अच्छा पैसा लेके, अच्छा वो अगर हाउस होल्ड पैसा ले रहा है, पैसे, पैसा दे रहे हैं ना। तुमने अभी यही तो बोला ना कि जो सेविंग हाउस होल्ड वाला बंदा हाँ है, जो उसके हाँ पास हाँ एक्स्ट्रा मनी है, वो फर्म को दे देता है। क्यों हाँ फर्म को दे देता है वो, हाँ दे देता है? ताकि उसको, क्योंकि उसके पास सेविंग है, उसे इन्वेस्ट करना है, तो उसे इन्वेस्ट करना, तो उस फर्म में क्यों इन्वेस्ट करता है? है क्योंकि उधर से उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा ज्यादा, हाँ, उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हाँ उसके वन ऑफ द रीजंस। हाँ बाद फिर उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसके नहीं बाद तो फर्म क्यों चाहती है कि हमें पैसा मिले? फर्म मार्केट प्लेस से इसलिए चाहती है क्योंकि उसको बैंक से ज्यादा वो, मतलब वो हर जगह से कंपेयर कर पाता है तो फाइनेंशियल मार्केट में कि किसका रेट कितना है, उस हिसाब से फिर वो बेस्ट वो ले पाता नहीं, मेरे को ये बताओ, फाइनेंस फर्म को क्यों पैसा चाहिए? नहीं, है। वो फर्म को पैसा चाहिए क्या कहते हैं अपनी फर्म इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए या फिर करने के लिए चाहिए। फर्म को पैसा क्यों चाहिए भैया, बताओ ना। फर्म को पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि उसे अपना फर्म चलाना, मतलब उसे फर्म में हाँ पैसा है, चाहिए, अब उसके फर्म में पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि उसको अपना फर्म अपना कंपनी चलाना है या इन्वेस्ट करनी है अलग अलग चीजों पे, फर्म वो और क्या कहते हैं प्रोडक्शन करना है पैसों से तभी तो। फर्म को पैसे किस लिए चाहिए? ये क्यों करना है? क्यों फर्म को पैसे इसलिए चाहिए? क्योंकि उसको अपना बिजनेस चलाना है ना। अभी हाँ वही बिजनेस तुमने चलाना तुमने है, पहले तुमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हाँ वो क्या कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको बिजनेस चलाने के लिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, हाँ, तो क्या करता है वो? आपने पहले चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा था? वो वो शेयर्स बेचता है या फिर डिवेंचर लेता है ऐसा, क्या करता है? हाँ वो शेयर्स, शेयर्स या डिवेंचर से अपना फाइनेंशियल है वो करता है। हाँ ना? यस है सर, ना? तो क्या करता है वो? उसको क्या कहते हैं, फर्म को पैसे चाहिए होते हैं, फर्म को पैसे चाहिए होते हैं। फर्म को किस तरीके से चाहिए होते हैं पैसे? डिवेंचर या तो अपना इक्विटी बेच के या फिर डिबेंचर से। हाँ नहीं, हाँ नहीं, वो ठीक है, पर फर्म को जो पैसे चाहिए होते हैं वो किन पर्पस के लिए चाहिए होते हैं? फार्म को अपना पैसे चाहिए होते हैं अपने क्या कहते हैं और मतलब इन वो क्या कहते हैं अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। हाँ, प्रोडक्शन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है फर्म? कहाँ इन्वेस्ट करती है? फर्म इन्वेस्ट करती है अपने वो एसेट्स पे, एसेट्स पे? क्या क्या एसेट्स? फॉर एग्जाम्पल मशीनरी मशीनरी वगैरह, और हाँ मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, और हाँ क्या कहते हैं ब्रांचेस हो गया, अलग अलग ब्रांचेस, और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करती है, हाँ उसके बाद फिर इन्वेंट्रीज के लिए हाँ ठीक है। में बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि फर्म जो है वो इन्वेस्ट कर रही है,
क्या कहते हैं, या तो उसमें रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इसमें, और या इन्वेस्ट कर रही है पूरा प्रोजेक्ट लगाने में, हाँ, या स्टार्ट करने में अपना फर्म बिजनेस को कुछ, हाँ, है ना, दोनों 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 में फर्क क्या है कि एक पैसा लगा रहा है और एक को पैसा चाहिए, दोनों दोनों इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? अच्छा, दोनों इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? मतलब ये वाली इन्वेस्टमेंट जो क्या कहते हैं वो एसेट्स में लगी है, और वो जो हाउस होल्ड कर रहा है वो वाली इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? नहीं, हाउस होल्ड नहीं, फर्म जो है जो पैसा लेती है वो दो जगह लगा रही है, हाँ, या तो प्रोडक्शन में, इन्वेंटरी खरीदने में, मार्केटिंग में, है ना, हाँ, समझ गया, समझ गया, ठीक है, और एक वो लगा रही है लॉन्ग टर्म, हाँ, तो फिर लॉन्ग टर्म में वो ऐसे लगाती है क्योंकि उसको फ्यूचर वो करना है, अपने फ्यूचर क्या कहते हैं के बिहाफ पे उसे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है, ताकि उसको आगे तक कोई वो, क्योंकि वो प्लानिंग जो उन्होंने कर रखी है अपना, उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने के लिए फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि वो लंबा चलेगा। और क्या कहते हैं, जो नॉर्मल जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होती है वो तो करंट एसेट के ऊपर होती है, वो क्या कहते हैं डे टू डे के लिए चलाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उससे करंट एसेट, नहीं नहीं, एक तो लॉन्ग टर्म होती है इन्वेस्टमेंट, एक शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म, हाँ। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट कहलाती है जो जो इन्वेंटरीज और मार्केटिंग के लिए यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर मेड फॉर डे टू डे, क्या कहते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, उसका होता है 12 महीने का, 1 साल का होता है, 1 साल का, ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा तुम्हें, है ना, यस, ठीक है। तो जो कंपनी जो होती है वो या तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उठाएगी, हाँ, या लॉन्ग टर्म के लिए उठाएगी, ठीक है। हाँ, वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए उसको तो वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो क्या कहते हैं वो लेती है अपनी पैसा उठाती है डिवेंचर से, लोन लेती है, या हाँ, फिर इक्विटी से वो सेल करती, हाँ, है, इक्विटी सेल नहीं, इक्विटी, हाँ, वो इक्विटी वो क्या कहते हैं बाहर मार्केट में निकालती है तो लोग से शेयर खरीदते हैं, पैसे मिलते हैं, है ना, तो उसको हम उस मार्केट को कहते हैं कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, अच्छा, हाँ, समझ गया, अच्छा, जो ठीक है उसको, और जो दूसरा शॉर्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म, जो मनी मार्केट, मनी मार्केट, है ना, तो हाँ, दो तरीके की हो गई ना ये, है ना, समझ गया, हाँ, क्लैरिटी है, नहीं है, हाँ, समझ गया, यस, क्लैरिटी है, बिल्कुल, ठीक है, चलो, तो अब हम लोग इसमें इसको जल्दी पढ़ लेते, तो पढ़ो ये क्या चीज लिखा है, ये हाँ सर, हाँ, ये लिखा ना, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ, हाँ, ठीक है, अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर्स, हाउसहोल्ड्स विच सेव फंड्स एंड बिजनेस विच इन्वेस्ट दीज फंड्स, एंड अ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प टू लिंक द सेवर एंड द इन्वेस्टर बाय द मोबिलाइजिंग फंड बिटवीन देम, इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स द एलोकेशन allocative function, it allocates all direct funds available for investment into the most productive investment opportunities. क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि जो financial market है वो help करता है allocation में, मतलब relocate करने में उन funds को, मतलब mobilizing में उनको, मतलब move कराने में, flow, उनके flow में वो करता है, मदद करता है funds के उसके फंड में, और प्रोवाइड कराता है बेस्ट, मतलब
जो बेस्ट वो उनका इन्वेस्टमेंट मतलब इट एलोकेट्स अ डायरेक्ट फंड अवेलेबल इन्वेस्टमेंट इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव. हाँ, कि सबसे बेस्ट किसको इन्वेस्टमेंट मिल सके, जिसने इन्वेस्टमेंट की है उसको, और जो खरीद रहा है उसको सबसे बेस्ट वो मिल सके, सबसे कम या फिर उनके हिसाब से सबसे बेस्ट वो इंटरेस्ट रेट पे वो मिल सके, मतलब दोनों को. नहीं नहीं, मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अच्छा, मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें सबसे बेस्ट क्या कहते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, किस जगह पे हमारी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, जहाँ पे हमें इंटरेस्ट जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, रिटर्न 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 वर्ड यूज करो बेटा, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, है ना? हाँ, यस सर. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो. द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. फाइनेंशियल, हाँ, इस प्रोसेस को द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स डन, है ना? हमने ऊपर पढ़ा कि एलोकेटिव फंक्शन है ये, है ना? तो इसको जो एलोकेटिव इस प्रोसेस को ऑफ एलोकेशन को इसको फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बोलते हैं, है ना? हाँ हाँ, द प्रोसेस बाय विच, नहीं, हाँ, द फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट टू वेयर एवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर्स है, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट such as the initial issue of shares and debenture by the firm or the exchange of existing financial asset like equity shares, debenture and bonds. Okay, समझ गए? हाँ हाँ sir, yes sir. Clear? कोई question, कोई problem तो नहीं इसमें? नहीं नहीं नहीं, सब दोबारा पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया. हाँ, next slide पे चलें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ पढ़ो. When the allocative function is performed well, two sequence flow, two consequences. बेटा एक consequences का मतलब पता है? Consequences मतलब दो वो होते हैं, मतलब consequences को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब दो हिंदी में मतलब नहीं पता, मतलब हाँ नहीं पता, नहीं, बता नहीं, मतलब आपको इंग्लिश में नहीं पता ना बेटा मीनिंग. कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस मतलब उसके क्या कहते हैं, उसकी वजह से जो वो उसकी वजह से ही कह रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या कहते हैं क्लास में कॉलेज में टॉप करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आपको प्रिंसिपल एक मेडल देगा. हाँ वही, हाँ, मतलब कॉन्सिक्वेंस है ना, हाँ, ना उसकी वजह से ऐसा होगा, है? हाँ वही, ठीक है. तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या हो कि जब हम एलोकेटिव फंक्शन एग्जीक्यूट करते जब एलोकेटिव फंक्शन होता है तो इससे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस का क्या होता है, इससे क्या होता है ना? हाँ, यस सर. When the allocative function is performed, two consequences follows. तो allocative function के जब allocative function होता है तो उसके दो consequences होते हैं. Allocative function तुमने पढ़ लिया? हाँ. ना? Yes sir. क्या होते हैं दो consequential function? Consequences क्या होते हैं? अच्छा, the rate of return. नहीं, ये तो नहीं था, कुछ और था. Yeah. So, मेरी बुक में, हाँ, the rate of return offered to the household would be higher such resource. हाँ, इसका मतलब हुआ जो rate of return है जो household है offered to the household would be higher rate of, अच्छा अच्छा, जो household जो अपना investment करेगी उनमें उसको जो return मिलेगा वो क्या कहते हैं market में financial market में उन्हें ज्यादा return offer होगा ज्यादा रिटर्न ऑफर होगा, मतलब रिटर्न एज कम्पेयर टू अगर वो बैंक में रख देते. हाँ, वेरी गुड. अगर वो बैंक में रखेंगे, एफडी वगैरह में रखेंगे, उससे ज्यादा तो इस वजह से रिटर्न मिलेगा. एलोकेटिव फंक्शंस का इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. एक तो जो आपके हाउसहोल्ड इन्वेस्टर होते हैं, हाउसहोल्ड जब भी हम बात करें तो छोटे इन्वेस्टर की बात करते हैं, जो
हाँ क्या कहते हैं ये बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो होते हैं ना, क्योंकि एक शेयर खरीद लिया, दो शेयर खरीद लिया, इस तरीके से हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, स्केयर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोस व्हिच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी, है ना। स्केयर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, स्केयर ये पढ़ा है, बट तुमने अपने बुक में पढ़ा होगा, तुम्हारी बुक में कहाँ लिखा है पता है, पेज नंबर लालू कभी स्केयर रिसोर्सेज स्केयर रिसोर्सेज में लिखा है, पेज नंबर बता दूँ तुम्हें। स्केयर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं क्या, मतलब जो जो थोड़ा एग्जिस्ट करते हैं, जो मतलब वैसे रिसोर्सेज होते हैं, मतलब ये देखो फर्स्ट उसमें लिखा है 10.1 पे देखो, 10.1 में स्केयर रिसोर्स, अच्छा नहीं कहाँ, अच्छा स्केयर रिसोर्सेज आर लोकेट, अच्छा 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 समझ गया मैं, स्केयर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं ना जो मतलब जिनमें वो ऑयल कोल होता है और ऐसा कुछ रिसोर्सेज को कहते हैं, देखो ऐसा है बेटा कि जो एलोकेटिव फंक्शन के इसने एक्चुअली इसने शुरू में एलोकेटिव फंक्शन की डेफिनेशन और सब लिख दिया है ना, तो मनी इज द स्केयर रिसोर्स, आसानी से तो मिलता नहीं है, तो जो स्केयर रिसोर्सेज हैं आर दोस व्हिच हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जो कंट्री को आगे ले जाए, कंट्री इकोनॉमी मूव इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनाए, उसमें ये रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। क्यों, क्योंकि जब एक कंपनी पैसे लेती है तो क्या कहते हैं वो इन्वेस्ट करती है, अच्छा मतलब ठीक है समझ गया, पैसों को इन्वेस्ट करती है, उससे क्या होता है कि इकोनॉमी इंप्रूव कर जाती है, भाई इन्वेस्ट करेगी तो उसका उसमें लोगों का मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, बिकेगा, पूरी साइकिल है ना ये सारी, ठीक है। तो क्या कहते हैं जो फर्म्स जो वाकई इकोनॉमी को क्या कहते हैं जो वो काम करेंगी उससे इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी, बेटर होगी, तो उनके वो ये रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं एक अगर फैक्ट्री लगा रहा हूँ, एक प्लांट लगा रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है ना। हाँ यस सर, अगर प्लांट और ये सब लगते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाती हैं, तो उससे क्या होता है, कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव करती है। के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, इन्वेस्टर से। हाँ यस सर, को बोलते हैं स्केयर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, तो उसके मतलब क्या होगी, जो ये जो रिसोर्सेज थे ये एलोकेट हो जाते हैं इन इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, क्या कहते हैं, सो दैट कंट्री इकोनॉमी इंप्रूव कर, ठीक है। ओके ओके समझ गया, चलो नेक्स्ट उसके नीचे क्या लिखा है, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स, क्या मतलब है। हाँ अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ, अच्छा अच्छा कि अलग अलग तरीके से, अलग अल्टरनेटिव तरीकों से जो फंड का है वो फ्लो हो, मतलब वो क्या कहते हैं एलोकेशन हो, रिलोकेट कर सके हम फंड को, एक से दूसरे के पास जा सके। सो देर आर टू मेजर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच एलोकेशन ऑफ फंड्स कैन बी डन, बैंक हाउसहोल्ड कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद बैंक who in turn could lend these funds to the business firms. Financial market household can buy the share and debenture offered by the business using financial market. So allocation of fund किस तरह से होता है, तो bank में household deposit कर दे अपना, है ना। तो अब जब bank में आप deposit करते हो तो bank क्या करता है, बैंक उनको इन्वेस्ट कर देता है, देता है जो उनसे लोन लेता है। हाँ, कौन लोन लेता है उनसे, फर्म्स लोन लेती हैं, लोन लेती हैं। तो एक तरीके से जो फर्म लोन लेती है वो बैंक से ले लेती है। हाँ, और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि
क्या कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट से वो ले ले. कौन? हाउसहोल्ड मतलब एक तरीका तो बैंक का होता है, एक तरीका फाइनेंशियल मार्केट होता है जहाँ पे फर्म जहाँ पे हाउसहोल्ड अपने क्या करती है क्या करता है. जब जब आपने क्या कहते हैं हाउसहोल्ड ने पैसे जमा करा दिए बैंक ने, तो बैंक ने किसको दे दिए? बैंक ने फर्म को दे दिए. फर्म को दे दिए तो एक 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 फर्म को एक तरीके से यहाँ से पैसे मिल सकते हैं बैंक से. हाँ, यस. और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा फाइनेंशियल मार्केट का है जिसमें फर्म को फर्म बैंक से नहीं लेती, फर्म क्या कहते हैं अलग अलग इंडिविजुअल से लेती है जो फाइनेंशियल मार्केट में अपना वो कर रहे होते हैं. मतलब वो कैसे लेती है वो? वो मतलब शेयर से लेती है, डिबेंचर से लेती है. उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं ना. तुम्हें तो पढ़ा है बेटा. तो इससे पहले जब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट कर रहे थे ना कि भाई या तो हम शेयर मार्केट में पैसे लगाएं, शेयर इशू कर देंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे, या हम बैंक से ले लेंगे, डेट ले लेंगे. हाँ, है कि नहीं? यस. लिंक हो रहा है नहीं हो रहा है? दोनों चीजें लिंक हो रही है नहीं हो रही है? यस सर. नहीं समझे? नहीं समझ गया, समझ गया. चलो नेक्स्ट. फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट क्या है? हाँ, फंक्शन जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें फाइनेंशियल मार्केट का जो फंक्शन होता है कि फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन कैसे बताऊं. उसमें क्या होता है, मोबिलाइजिंग जो सेविंग्स होती है उसको पढ़ो ही पढ़ो. अच्छा ये ठीक है. हाँ, मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर इन फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर. इट गिव्स सेवर द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एंड थस हेल्प टू चैनलाइज सरप्लस फ्रॉम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. ठीक है, सरप्लस फंड्स. सरप्लस फंड इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज. हाँ, क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका ये मतलब हुआ कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हमें एक फैसिलिटी देता है, वो फैसिलिटेट करता है जो सेविंग्स है उनको ट्रांसफर करके इन्वेस्टर के पास, सेवर से सेविंग्स को ट्रांसफर करके इन्वेस्टर के पास. सो अब इसमें क्या होता है, जो सेवर होता है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, जो सेवर है जिसके पास सेविंग है उसके पास चॉइस रहती है, बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है. डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है उसको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, जिससे कि वो अपना सरप्लस फंड है जो एक्स्ट्रा फंड है उसको चैनलाइज कर सके, उसे वो कर सके, मतलब इन्वेस्ट कर सके सबसे प्रोडक्टिव वे में जहाँ पे उसे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले. हाँ, ये बोलोगे ना बेटा, ये इम्पोर्टेंट है ना भाई. मेरे पास चॉइस, जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो सबसे मतलब जो मेरी जो सस्ती सबसे अच्छी चीज खरीदने की कोशिश करता हूँ कि चीज ही बढ़िया और सबसे कम दाम में हो. इसी तरीके से जब मैं पैसे मार्केट में डाल रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को मैक्सिमम वहां से रिटर्न आए. यस सर. तो जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट जो है वो आपको इन्वेस्टर्स को या हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है नहीं? हाँ, यस. फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी का मतलब उसका. हाँ, वो इसमें क्या होता है कि अब इससे क्या होता है, जो सेवर होता है जिसके पास सेविंग जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं वो एनालाइज कर पाता है, वो क्या कहते हैं डिटर्मिनेट कर सकते हैं सप्लाई और डिमांड से कि प्राइस कितनी ज्यादा है कितनी कम है उस हिसाब से. किसकी सप्लाई किसकी डिमांड बच्चे बताओ? जो क्या चीज सप्लाई में प्राइस जो होती है नहीं, सप्लाई क्या चीज हो रही है? अच्छा, डिमांड किस चीज की है? डिमांड जो चीज डिमांड क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, वो फंड्स की डिमांड है. हाँ, फंड्स की डिमांड्स है. और सप्लाई किसकी है? वो भी फंड्स की है. वेरी गुड, दोनों की फंड्स की डिमांड है ना. तो एक सप्लायर है और एक डिमांड है और एक सप्लायर है ना. यस. तो अब जो सप्लायर है और सप्लायर चाहेगा कि उसको मैक्सिमम
रिटर्न मिले सप्लाई कर रहा है वो, हाँ, और जो डिमांड जो रेस कर रहा है फर्म, वो चाहेगा कि उसको कम से कम इन्वेस्टमेंट, उसे इंटरेस्ट देना पड़े कम से कम। हाँ, तो इस चीज का फैसला कैसे होता है कि अगर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो किसको फायदा होगा? डिमांड ज्यादा होगी और प्राइस कम होगी तो प्राइस, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी तो ज्यादा होगी सर। अरे डिमांड ज्यादा, फिर से सुनते हो तुम, चीज सुनो ना बेटा। अच्छा, अगर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लायर क्या कहते हैं जो है तुम्हारा जो सप्लायर, सप्लायर कौन है इसमें? सप्लायर सेवर है, जो जिसके पास सेविंग है, जो सेवर है, जिसका सेविंग है ना। हाँ, सेवर है ना, है ना। तो किसको फायदा होगा डिमांड अगर ज्यादा होगी तो? सेवर को। क्यों? क्योंकि डिमांड उसके ज्यादा है, सब उसका जो फंड है वो लेना चाहते हैं, तो अपनी प्राइस बढ़ा सकता है। कौन बढ़ा देगा प्राइस? सेवर। हाँ, तो क्या कहेगा वो कि भाई मेरे को ज्यादा पैसा, मतलब ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर सप्लायर्स ज्यादा हो गए, मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया, लोगों ने सबने कहा भी, हाँ, मैं भी, हम भी, हमें भी देना है, हमें भी देना है, हमें देना है, तो किसको फायदा होगा? तब इन्वेस्टर को फायदा होगा। इन्वेस्टर के दो मीनिंग आ जाते हैं कभी कभी। एक इन्वेस्टर को शुरू में इसने लेसन में यूज किया, इन्वेस्टर वो बंदा है जो कि आपका पैसा लेके इन्वेस्ट करता है। तो कंपनी एक ही एक ऐसी चीज है जो आपका पैसा लेती है, उसको इन्वेस्ट करती है। और दूसरे कॉनोटेशन, उसका दूसरा एक तरीका है वहां पे इन्वेस्टर को, वो एज अ ये भी लेकर चल रहा है कि मेरे पे मेरा पैसा है और मैं उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसको भी इन्वेस्टर बोल देते हैं, उसको भी इन्वेस्टर बोल देते हैं। तो इसीलिए इसको इसको क्लेरिफाई करने के लिए फर्म और सेवर का हम यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? जो मैं तुम्हें बिल्कुल जनरिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, तुम्हें रटना ना पड़े। ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है, एक प्राइस डिस्कवरी हो जाती है, कितने में उसको क्या कहते हैं बेस्ट प्राइस मिल रही है, कि ठीक है उसके का ठीक है 8% मिल रहा है, 12% मिल रहा है, जो भी उसको इंटरेस्ट में रिटर्न मिल रहा हो। इसी तरीके से जिसको जो फर्म है उनको मिनिमम लगे भी, हाँ, इतने में हमें मिल रहा है, चलो ठीक है उसको उठा लेते। तो एक वो तरीके से इंटरसेक्शन जो होता है उनका, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है ग्राफ के अंदर, तो उसको प्राइस बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर इसमें ये पढ़ो, फिर सेकंड पॉइंट पढ़ो, इंटरेक्शन बिटवीन द फोर्स। इसके बाद है सर, मेरे पे तो ये है ना, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फंक्शनल एसेट, मतलब हाँ ये फंक्शनल कहाँ पढ़ रहे हो बेटा? Facilitating price discovery इसका पढ़ना है। अच्छा, इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउसहोल्ड एंड सप्लायर्स ऑफ अ फंड house or households are supplier of the funds and business firms represent the demands. The transaction between the force of demand and supply help to establish a price for the financial asset. For a financial asset, ठीक है, yes sir, समझ गया। अब इसका होता है, अब आ गया प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, अब वो फाइनेंशियल मार्केट होता है, वो फैसिलिटेट करता है इजी परचेज, इजीली परचेज करने का और इजीली सेल करने का जो एसेट्स है जो। तो अब इसमें क्या होता है, ये एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल एसेट को, वो जिससे कि वो इजीली कन्वर्ट हो सके कैश में जो एसेट्स है। हाँ, है ना? हाँ, यस सर। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, उसके बाद ये आ जाता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड कराता है जो सिक्योरिटीज होती है ट्रेड, जो ट्रेड सिक्योरिटीज होती है। बेटा कहाँ पढ़ रहे? मैंने जो जो पॉइंट जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसको पढ़ो, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तुम्हारे इसके अंदर तो मैं वो तुम्हें बता दूंगा।
अच्छा फाइनेंशियल मार्केट सेटिस्फाई इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट टू द टू दैट सो दैट दे कैन बी इजी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेन एवर रिक्वायर्ड हाउसहोल्ड ऑफ एसेट कैन होल्डर्स बेटा होल्डर्स होल्डर्स ऑफ एसेट कैन रीडली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट through the mechanism of financial market yes sir reducing the cost of transaction ab isme kya hota hai ye help karta hai ye are baith raha hai ye ye reduce the cost of transaction ka kya tha अच्छा पढ़ लेता हूँ फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट इट हेल्प्स टू सेव द हाँ टाइम एफर्ट एंड मनी दैट बोथ बायर कैन बायर एंड सेलर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट विल हैव टू अदरवाइज स्पेंड टू ट्राई एंड फाइंड ईच अदर द फाइनेंशियल मार्केट इज थस अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर कैन मीट द फुलफिलमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल नीड्स of their individual needs. मेरे को ये थोड़ा सा समझ नहीं आया हाँ चलो अब मैं बताता हूँ देखो ये फ्लोटेशन कॉस्ट तुमने पढ़ी थी फ्लोटेशन पहले फ्लोटेशन कॉस्ट तो समझना है ना सर मेरे को आपसे समझना है ठीक है चलो मैं वो बताता हूँ तो अब ये क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट जो जो रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो रहा है कि जो ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है ये कैसे रिड्यूस करता है ट्रांजेक्शन कैसी होती है कि ट्रांजेक्शन जो क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी होती है ऐसा लेने के लिए उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है हाँ, लेते हैं ना किसी से तो उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है लेकिन जो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पैसे लेते हो तो ये चीज बड़ी आसान हो जाती है ऐसे कि फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट मतलब क्या होता है कि आपको सपोज करो मेरे को फर्म खोलनी तो मैं अपनी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन डालूंगा वहां पे कि भाई हम ये बनाना चाहते हैं इन्वेस्टर को ये फायदा होगा ये हमारे इतने टाइम में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा ये हो जाएगा वो सारी चीजें हम उसको प्रोस्पेक्टस बना के उसको सब मार्केट में सर्कुलेट करते हैं और जो सेलर जो जो जिसको इन्वेस्ट करना वो पड़ता है कहता हाँ भाई इसका तो ये तो कंपनी बड़ी अच्छी लग रही है चलो उसका शेयर ले लेते हैं ठीक है उसने पैसे दिए उसको शेयर एलोकेट ठीक है तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज बींग ट्रेडेड इन द मार्केट है ना तो क्या कहते हैं उसको जो 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 सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे क्या है सिक्योरिटीज का मतलब जो जिसके बदले वो जिसके बदले में वो अपना वो देगा फंड देगा सिक्योरिटीज को जस्ट शेयर्स इज आल्सो सिक्योरिटी वो अलग है वो सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं बेटा यहाँ पे तुम्हें टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह समझना पड़ेगा है ना डिबेंचर्स ये सब सिक्योरिटीज हैं सिक्योरिटीज ट्रेड मतलब शेयर ट्रेड होता नहीं होता मार्केट में हाँ ये सर डिबेंचर्स ट्रेड होते नहीं होते हैं तो इनको सिक्योरिटीज बोलते हैं है ना फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट मतलब आपको जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो आप फाइनेंशियल मार्केट में आपको दिखती है तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या कहते हैं ये इस कंपनी के लोग ज्यादा शेयर खरीद रहे चलो भाई हम भी यहाँ लगा देते हैं ओके समझ रहे हो बेटा हाँ बिल्कुल यस अगर आपको मार्केट में पता चल रहा है कि यार ये पांच कंपनी में लोग पैसे ज्यादा लगा रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना वो ऐसा तो नहीं हाइड होती है हाइड करके रखते हो नहीं नहीं यस सर ठीक है उसके बाद क्या था इट हेल्प्स टू सेव टाइम एंड टाइम एफर्ट एंड मनी दैट बोथ बायर्स एंड सेलर सेलर ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट वुड हैव टू अदरवाइज स्पेंड टू ट्राई एंड फाइंड ईच अदर देखो तो जो जो फर्म है
उसने अपने प्रोस्पेक्टस शुरू कर दिए, तो मेरे को अगर लगाना है पैसा तो मैं देखूंगा अच्छा हाँ इसका ये तो मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी होगी इस कंपनी की, चलो मैं यहाँ पैसे लगा दूंगा। तो पहले से ही उसने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर रखी है, अदरवाइज मैं अगर मेरे को पैसे मेरे को अच्छा इसमें लगाऊं अच्छा तुम बता दे अच्छा इसमें लगाऊं, इट इज अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और अदरवाइज क्या कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप सर्च मारो और मिल जाती है सारी इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन वो उसको जल्दी से जल्दी मिल जाती है, इन द सेंस कि वो सबको रीड करता है और उसका डिसीजन ले सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो डिसीजन नहीं ले पाएगा वो। हाँ यस सर। ठीक है अच्छा, तो द फाइनेंशियल मार्केट इज दस कॉमन प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है ना, जहां पे बायर की और सेलर की जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल नीड्स हैं वो वहां पे सेटिस्फाई होती हैं, है कि नहीं, ठीक है ना। चलो अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कैसी होती हैं? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट तीन प्रकार की होती हैं। एक तो हो गया हमारा कैपिटल हो गया, उसके बाद फाइनेंशियल हो गया, और एक मनी हो गया मनी मार्केट। नहीं नहीं बेटा, क्या तीन तरह की तो नहीं होती फाइनेंशियल मार्केट, कितने तरह की होती है? मनी और कैपिटल। हाँ क्या मनी और कैपिटल मैंने अभी हम लोग डिस्कशन करते थे, क्या होता है मनी मार्केट होती है नॉर्मली वो लेस देन वन ईयर की बिहाफ पे होती है। हाँ ठीक, ये देखो अब पढ़ो। Money market is a market for short-term fund which deal in the monetary asset whose period of maturity is up to 1 year. It enable the rising of short-term funds for meeting the temporary shortage of cash and obligation and the temporary deployment of excess fund for earning returns. मनी मार्केट इज द मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेबिट इंस्ट्रूमेंट दैट आर हाईली लिक्विड आर इश्यूड एंड छोटा छोटा हाँ ट्रेड एवरी डे। इट हैज नो फिजिकल लोकेशन बट इज एन एक्टिविटी conduct over the telephone and through the internet. तो अब क्या है कि मनी मार्केट का जो है वो पहली बात तो शॉर्ट टर्म हो गया। हाँ ठीक है ना। यस सर। अच्छा अब जो ये किस लिए यूज होता है कि जो कंपनी की जो शॉर्ट टर्म टेम्परेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है कैश की है ना, तो वो सारी पूरी हो जाए इससे। यस सर। ठीक है। हाँ। तो इट इनेबल्स द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर मीटिंग द टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशंस एंड द टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस फंड फॉर अर्निंग रिटर्न्स। तो दोनों के लिए होगी ना ये, मतलब आपको पैसा चाहिए तो भी आप शॉर्ट टर्म में लगा दो, और आपको आपको लगता है कि यार एक साल के लिए पैसा नहीं चाहिए तो आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। तो कंपनी भी तो ये काम करती है, जिस तरीके से इंडिविजुअल कर सकता है तो वो कंपनी भी कर सकती है ना। तो मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर लो रिस्क। अच्छा लो रिस्क क्यों है मैं बताओ जरा। लो रिस्क इसलिए क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये अंडर वन ईयर से क्या होता है तो इसमें जो ज्यादा वो लॉस होने का नहीं रहता डर की। हाँ क्योंकि फर्म की सिचुएशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा साल छह महीने में, है ना। यस जो क्या कहते हैं अगर डूबेगी तो डूबते डूबते भी टाइम लगेगा ना, तो इसलिए इतना रिस्क इसका लो है, है ना। ठीक है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? अनसिक्योर्ड की अनसिक्योर्ड की मतलब सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर्ड है मतलब अनसिक्योर्ड की मतलब कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म डेब्ट मतलब
एक मिनट, अगर मैं तुमको 10,000 रुपए देता हूं, ठीक है, एक 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 सिनेरियो तो ये है, मैं तुमसे 10,000 दे दिया, ठीक है ले लो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैंने कहा कि भाई ऐसा है तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए, ढूंढो ना, ओके, काला वाला नहीं मिल रहा, एक बार ढूंढो। हाँ यस सर। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक तुमने कहा जी मेरे को 1,00,000 रुपए दे दो, ठीक है, हाँ, तो मैंने तुम्हें अपने क्या कहते हैं उठाया, तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दिए, हाँ ठीक है। दूसरा ये कहा कि भाई नहीं ऐसा है कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए तो दूंगा, पर तुम अपनी गाड़ी के पेपर्स मेरे पास रख दो, ओके ठीक है, हाँ। और जब तुम पैसे वापस करो तो मैं तुम्हें गाड़ी के पेपर वापस कर दूंगा, हाँ। तो कौन सा सिक्योर्ड लोन हुआ किसके हिसाब से, मतलब किसके लिए सेफ हुआ, मतलब मेरे लिए, हाँ मेरे लिए तो शॉर्ट टर्म, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, अच्छा, आपके लिए तो लॉन्ग टर्म हुआ ना, हाँ, नहीं नहीं मैंने तो तुम्हें सिंपल कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, हाँ ले लो, कुछ कुछ नहीं कहा, ठीक है तुम्हें दे दिया, ठीक है, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन का भी ठीक है, तुम्हें 1,00,000 चाहिए तो मैं तुम्हें 1,00,000 दे दूंगा, पर तुम अपने गाड़ी के पेपर्स मेरे को दे दोगे, और जब तुम 1,00,000 चुका दो तो गाड़ी के पेपर मेरे से वापस ले लेना। मेरे हिसाब से कौन सिक्योर्ड हुआ, दूसरा वाला, दूसरा वाला, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ो ये कि मार्केट मनी इज मार्केट प्लेस वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड। अब अनसिक्योर्ड क्यों है, क्योंकि आप जब भी किसी को पैसा देते हो तो क्या उसकी सिक्योरिटी रखते हो साथ में, नहीं 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 रखते हो ना, हाँ है ना, नहीं रखते हो ना, तो इसलिए अनसिक्योर्ड हो गया ये, हाँ यस सर। अनसिक्योर्ड का मतलब समझ गए, हाँ हाँ समझ गया, मतलब हाँ वो तो मेरे को पता था, लेकिन तुम्हें नहीं आता था बेटा ये अनसिक्योर्ड का मतलब, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट विच आर हाईली लिक्विड आर इश्यूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे। मतलब ये हुआ कि मनी मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म पैसे चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अभी हम लोग जो कि आगे एक तुम्हारे कोर्स में है नहीं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, हाँ मतलब जिससे कुछ हो सके, इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम कैसे बोले, इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिससे मतलब कि जिससे कुछ काम हो सके, जिसकी वजह जिससे कुछ काम करना होता है, तो इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है वो अलग, वो तो तुमने इंस्ट्रूमेंट का वैसे मीनिंग बता रहे हो, एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ना जो, हाँ जो तुम्हारे जिस पे ट्रेडिंग होती है ना, जैसे कि क्या कहते हैं जो तुम्हारे उसमें मनी मार्केट के अंदर ना तुम्हारे बॉन्ड्स होते हैं, तुम्हारा बिल्स होते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, ये सब तो इनको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, तो इसको ये फ्रीली ट्रेडेबल होते हैं, मतलब जिसके पास है, जैसे पैसा नोट मेरे पास है तो मैं उसका मालिक हो गया, इसी तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जिसके पास वो होता है वो उसका मालिक होता है, यस है ना। तो मैंने वो लिखे नहीं है आगे इसमें, है ना, तो क्या कहते हैं, और ये जो ट्रेडिंग होती है ये थ्रू फोन होती है, मतलब इंटरनेट हो जाती है, आपने आपको आपको अगर पैसे खरीद वो कर मतलब इन्वेस्ट करने हैं तो आप नेट पे जाते हो और फोन पे बताते हो, हाँ भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, चलो ले रहा आप, हाँ दे दो मेरे को और हम तुम्हें जो है इसका इंटरेस्ट इतना परसेंट दे देंगे, कहते ठीक है, तो ये हो गया ना, फटाफट ट्रांजेक्शन हो गई ना, इसमें ज्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं हुई है, yes, sir. ठीक है ठीक है। तो मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट्स आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, कमर्शियल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड्स। अब yes, sir. इनको ये क्यों है, ये सब क्या कहते हैं, ये म्यूचुअल फंड वाले क्यों, चीचर फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड वाले, अब ये क्यों उसको इसको इसको क्या कहते हैं टेम्पररी फंड चाहिए, हाँ बताओ, म्यूचुअल फंड्स वाले को टेम्पररी फंड्स इसलिए चाहिए क्योंकि इसको म्यूचुअल फंड्स चाहिए, नहीं पता सर,
ओके इसलिए चाहिए कि वो फटाफट क्या करेगा कि उसको पता है कि ये पर्टिकुलर शेयर जो है वो बढ़ने वाला है, वो क्या कहते हैं मार्केट से पैसा उठाएगा और वहां लगा देगा, और जब वो शेयर बढ़ जाएगा तो उसको बेच देगा और उनका मार्केट का पैसा चुका के अपना प्रॉफिट जमा कर लेगा, समझे? नहीं तो मनी मार्केट में वो प्लेयर्स हैं जिनको कि इमीडिएटली पैसा चाहिए विद इन वन ईयर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, सो दैट अपना काम करें और उसको रिटर्न कर दें वापस, ठीक है ना। लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस में भी चाहिए, कभी कभी लार्ज कॉर्पोरेट हाउस में एकदम से पैसे की नीड आ जाती है तो फटाफट वो अपना इन इन सब से पैसे ले लेते हैं और उसके बाद कुछ चुका देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। ठीक है, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? फीचर्स ऑफ मनी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर क्लोज क्या है सब्स्टिट्यूट फॉर मनी क्लोज, दे आर इनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर लेस रिस्की, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड। हाँ तो मैंने बताया ना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को मतलब समझ गए तुम, मतलब इंस्ट्रूमेंट जिनसे ये जिनसे ये मनी मार्केट वर्क करता है ना। नहीं नहीं इंस्ट्रूमेंट्स का बेटा मतलब जैसे ना मैंने बताया था ना बॉन्ड्स और ये सब चीजें जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि तुम्हारे एक में बताता हूँ तुम्हारे कौन से पेज पे लिखे इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट का मतलब नहीं समझोगे बेटा तो जल्दी जल्दी नहीं करना हमें। देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, कमर्शियल बिल्स, ये तुम्हारा 10.6 पे देखो, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट लिखा है ना ऊपर, यस सर, है ना। इंस्ट्रूमेंट मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट वो नहीं किसी कोई हथौड़ा है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो सब तो अलग हो गया, पेज का से ये भी इंस्ट्रूमेंट है वो एक अलग होता है, ये फाइनेंशियल मार्केट में इनको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट तो आ नहीं रहा, 10.5 देखो ना। हाँ नहीं आ रहा ना सर वो तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट वाले बुक में 10.5 नहीं है। नहीं वो तो है लेकिन 10.5 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मार्केट है वो आ नहीं रहा इस बार। हाँ मेरे को पता नहीं आ रहा है। हाँ मेरे को पता नहीं आ रहा है, मनी मार्केट में डेफिनेशन समझ गया ना। अच्छा अच्छा उसके लिए हाँ ठीक है ठीक है ओके, वैसे समझाने के परस्पेक्टिव हाँ सर ठीक है ओके ठीक है हाँ चलो अब आगे चलें। हाँ यस सर हम इसीलिए कैपिटल मार्केट पे आ गया मैं, बस सिर्फ तुम्हें इतना बताया यहाँ पे, वैसे मनी मार्केट के बारे में तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी बस, है ना। हाँ ये ओके कोई नहीं सर ठीक है ठीक है। अब कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट वो होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मोर देन वन ईयर के लिए होती है। हाँ और ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं मार्केट, और ये मतलब ये डील ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड फंड फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म्स इन इट डज नॉट डील विथ चैनलिंग सेविंग्स फॉर लेस देन वन ईयर, ठीक है। लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैपिटल मार्केट इज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, द कैपिटल मार्केट ट्रांसफर मनी फ्रॉम द सेवर टू इन्वेस्टमेंट बोरोवर, इंटरप्रेन्योरियल बोरोवर, ये नहीं आया समझ मेरे को मतलब। पहले ये पढ़ो फिर इसका हम इसका लेंगे ना, जो फिर जो भी चीज बनी है फिर एकदम वो बोलेंगे। यूटिलाइजर इंटरमीडिएटरीज, कैपिटल मार्केट मेक यूज ऑफ डिफरेंट, नहीं पढ़ो ये जो मैं तुम्हें इस पे दिखाया ना, मैंने स्क्रीन पे देखो क्या है। कैपिटल मार्केट रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू with medium and long term funds both debt and equity are raised and invested, hai na. Kya matlab hua jo capital market hai wo kya kehte hai facilities provide karata hai aur kya kehte hai ye arrange aur arrangement provide karata hai jisse ki hum long term funds le sakte hain debt mein bhi aur equity mein bhi. Ha इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल मार्केट है यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए
क्या कहते हैं फंड्स ले सकते हैं, हाँ में भी ले सकते हैं, इक्विटी शेयर में भी राइज ले सकते हैं, हाँ है ना, इक्विटी शेयर भी यहाँ जो आप इसका ना, जब भी आप इक्विटी शेयर वो करते हो तो आपको कैपिटल मार्केट वो करनी होती है, मतलब कैपिटल मार्केट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है ना। फीचर्स क्या है इसके, डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है ना, लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कैपिटल मार्केट इज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन दिस थिंग है ना, कैपिटल, तभी तो आप, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं गया और मैंने अपना वो ले लिया, क्या नाम शेयर ले लिया, लिंक हो गया ना, मैंने जो शेयर लिया वो लॉन्ग टर्म में लिया ना, कंपनी ने तो कहा कि भी मैं आप अपना शेयर हमसे खरीद लो और हम आपको जब रिटर्न होगा तब देंगे, आपका आपको रिटर्न मिलता नहीं है, जब आप चलेगी तभी तो रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। Utilize intermediaries. Capital market makes use of different intermediaries such as broker, underwriter, depositor. ये सब काम में आ जाते हैं ना, जब आपको शेयर लेना होता है तो फर्म पहले इनको ब्रोकर्स को देती है, अंडरराइटर्स को देती है, डिपॉजिटर्स को देती है, इनको इनको यूज करती है ना अपने शेयर बेचने में, है ना, ठीक है। तो यूटिलाइज इंटरमीडियरीज, ये इंटरमीडियरीज कहलाती हैं, जो बिटवीन आपके जो आप अगर एंड इन्वेस्टर हो और फर्म के बीच में, है ना। लास्ट पॉइंट पढ़ो, डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल इंफॉर्मेशन, द एक्टिविटीज ऑफ कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी, कैपिटल मार्केट ऑफर अल्टर attractive opportunities to those who have surplus funds so that they invest more and more are encouraged to save more for profitable opportunities. है ना? हाँ, ओके, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी दोज हु हैज सरप्लस फंड, मतलब जिनके पास सरप्लस फंड है उनको क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी होती है कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो और लॉन्ग टर्म में है, उसके बाद आपके पैसे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आगे आ जाओ, एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, व्हिच फैसिलिटेज इकोनॉमिक ग्रोथ, which where market operations are free, fair, competitive and transparent, must provide sufficient information to investor कि capital market कौन सी अच्छी होती है। कहते हैं ना कि एक capital market अच्छी है ऐसे, अगर वो where finances are is available at reasonable cost, मतलब क्या हुआ कि जो opportunities है वो कुछ नहीं सर। नहीं समझा तो मैं समझाऊं तुम्हें? हाँ समझा दो सर। आइडियल मार्केट, आइडियल कैपिटल मार्केट कौन सी, आइडियल का मतलब क्या, आइडियल कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हुआ, आइडियल खाली जो है, नहीं तो कौन सा आइडियल, ठीक है तो अच्छा आइडियल, अच्छा आइडियल कैपिटल मतलब क्या हुआ, आइडियल कैपिटल मार्केट जैसा होना चाहिए, एक आइडियल सप्ताह बिल्कुल सबसे बेस्ट कौन सी होती है, वो मार्केट से बढ़िया होती है जहाँ पे फाइनेंस जो है आपको रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल हो। हाँ ये सर, मतलब ये हुआ कि मेरे को अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर मैं मेरे को पैसा चाहिए तो मेरे को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, कैपिटल मार्केट ज्यादा अच्छी है। वो क्या कहते हैं, जो मेरे को फैसिलिटेट करे इकोनॉमिक ग्रोथ में, मतलब क्या हुआ कि मेरे को अगर फैक्ट्री लगानी है तो मेरे को पैसा आसानी से वहां मिल जाए, अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, है कि नहीं। वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब कि कुछ भी हो, एक अब ये इन्वेस्टर है अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी भाई ये कंपनी कैसी है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये तो कैपिटल मार्केट अगर अगर ऐसी हो जहाँ पे सब कुछ फेयर हो,
आपको कंपनी की पोजीशन पता चल रही है, क्या चल रहा है कंपनी में, तो आप उसमें आपका ट्रस्ट ज्यादा डेवलप हो जाएगा, तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे, है ना। मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, मतलब कि जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टस होता है ना, उसके थ्रू उनको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है किसको, इन्वेस्टर को। मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिविटी, मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे को कैपिटल मैं अगर उठाया है मार्केट से पैसा, तो मैं उसको प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट करूं। ये नहीं कि इसको खाने पीने उड़ा दूं या इसको इन्वेस्ट ही ना करूं, मेरे पास अगर पैसा आ गया तो फिर मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूं, है ना। कैपिटल मार्केट वो अच्छी होती है जहां पे जो इन्वेस्टर का पैसा लिया जाता है वो ठीक तरीके से, राइट तरीके से इन्वेस्ट हो रहा हो। वेयर हुआ नहीं हुआ, यस सर बिल्कुल ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लेना, मार्केट मनी मार्केट और कैपिटल में डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। सर मैं ये बताऊंगा नहीं, तो अपने आप पढ़ो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट कैसी होती है, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट होती है दो प्रकार की होती है, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? प्राइमरी मार्केट वो होती है जो कहते हैं वो मार्केट होती है जिसमें क्या कहते हैं सिक्योरिटी को बेचा जाता है। आपको नहीं आता? नहीं नहीं, जिसमें पहली बार वो करे होते हैं, इंट्रोड्यूस करा जाता है अपने, पहली बार बेचा जाता है, क्या बेचा जाता है, फंड्स को पहली बार निकाला जाता है, मतलब नहीं फंड्स कह रहा हूँ, सिक्योरिटी जो होती है, जो फंड्स जो शेयर्स होते हैं उनको, शेयर्स को, शेयर्स को पहली बार सेल किया जाता है। हाँ मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कंपनी है और मैं कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ और मेरे को मार्केट से पैसा उठाना है, तो मैं उसका आईपीओ निकालूंगा और वो क्या कहते हैं उसमें पब्लिक जो है डायरेक्टली मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगी, है ना, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, है ना, न्यू इशू मार्केट, है ना। हाँ न्यू इशू, यस न्यू इशू मार्केट, है ना, ठीक है ना। तो उनको क्या कहते हैं डायरेक्टली मेरे को वो कंपनी से मेरे इन्वेस्टर का पैसा मेरा डायरेक्टली आ जाएगा। और सेकेंडरी मार्केट इसको कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट जिसमें प्राइमरी मार्केट से जिसने खरीदा हो वो दोबारा सेल करता है, रीसेलिंग, है ना, ठीक है ना। मेथड अब ये है, मेथड ऑफ रोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन, ये तुम्हारे साथ ये चीज नहीं समझ में आ रही ना। हाँ यस, मेथड ऑफ रोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर जो फ्लोटेशन के क्या क्या मेथड है, सिक्योरिटी मस्ट बी इशूड इन प्राइमरी मार्केट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। मतलब फ्लोटेशन को कहते हैं कि मेरे को कुछ फ्लोट करनी है, मतलब ये हुआ कि हम कहते हैं ना कि मैंने कंपनी फ्लोट करी है, कंपनी फ्लोट करी मतलब कि कंपनी उतार दी है ना, तो इस तरीके से फ्लोटेशन। अब जो क्या कहते हैं प्राइमरी मार्केट में मैं कैसे करूंगा कि मेरे को पैसा मिल जाए, प्राइमरी मार्केट में देखो मेथड क्या क्या तरीके हैं प्राइमरी मार्केट में जिसमें मैं पैसा ले सकूं, है ना। मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब कि सिक्योरिटीज को कैसे मैं वो कराऊं, मतलब कि उनका क्या फ्लो होता है, फ्लोटेशन वर्ड कि भाई आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू कि क्या क्या तरीके हैं प्राइमरी मार्केट में मेरे पास जिनके जिसके थ्रू कि मैं सिक्योरिटीज के थ्रू मैं पैसे इकट्ठे कर सकूं, मतलब क्या मैं कौन कौन सी सिक्योरिटीज इश्यू करूं मार्केट में जिससे कि मेरे को पैसे मिल जाएं। तो पहला क्या है, पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस, मतलब ये हुआ कि मैं एक कंपनी का प्रॉस्पेक्टस छपवाऊंगा और सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और मैं कहूंगा कि मेरी कंपनी के आप शेयर उठा लो, मेरी कंपनी के शेयर आप खरीद लो, जनरल पब्लिक को मैं बोलूंगा। यस सर, नहीं समझ में आ रहा,
नहीं नहीं मैं समझ गया कि जनरल जो पब्लिक है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उसको हम बोलेंगे कि मेरे शेयर खरीद लो कोई, है ना, ठीक। तो क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं कि पब्लिक इशू निकाल दिया मैंने, ठीक है। हाँ, यस सर। बस क्या है, फिर मैंने पब्लिक इशू को निकाला तो लोग मेरे शेयर खरीदेंगे, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी बट बाय एन इंटरमीडियरी who buys whole lot of securities from the company, generally the mediators are from other broker. अब एक कंपनी ने सोचा कि भाई मैं क्यों सारी मेहनत करूं? उसने कहा एक कंपनी को बोला ऐसा करो यार, तुम ये मेरे से सारे शेयर ले लो एक प्राइस के ऊपर, ठीक है, और इनको तुम अपने हिसाब से बेच दो, ओके, ठीक है, मैंने तुम्हें 10 रुपए दी, तुम 10 रुपए 12 बेचो, 20 में बेचो, हमें से कोई लेने देने नहीं। तो वो बंदा क्या करेगा कि वो सारे शेयर उठा लेगा और देखेगा हाँ यार ये तो बढ़िया है, मैं ये तो मेरे को 10 रुपए में दे रहा है, ये पता है मेरे को कि ये मेरे को 12 रुपए मार्केट में बेच सकता हूँ, तो वो पब्लिक को बेच देता है 12 रुपए। एक पहला मेथड क्या पढ़ा था हमने कि डायरेक्टली कंपनी जो है वो पब्लिक को भी बेच रही है। एक में क्या किया उसने कि अपने सारे शेयर्स मीन सिक्योरिटीज बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी वर्ड इसलिए क्यों यूज किया क्योंकि डिबेंचर भी हो सकते हैं और शेयर्स भी हो सकते हैं, तो उसने क्या किया कि एक कंपनी को क्या कहते हैं ब्रोकर को हायर कर ली कि भाई ऐसा है कि तुम मेरे सारे शेयर खरीद लो और तुम उसको मार्केट में अपने नाम पर बेच दो। इंडिविजुअल अब क्या है कि मैं अपनी कंपनी को का पब्लिक इशू नहीं निकालता। पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल पीपल भी खरीद सकते हैं। हाँ, मैं वो नहीं निकालता। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब ये हुआ कि कुछ कंपनियां आती हैं जो सिर्फ इन्वेस्ट करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो बहुत पैसा होता है, वो इन्वेस्ट करती हैं और क्या कहते हैं प्रॉफिट कमाती हैं, तो मैं सिर्फ उनके पास जाता हूँ, या जो कुछ सेलेक्ट इंडिविजुअल हैं जो टाटा बिरलाज और इनके पास चला जाता हूँ, इनके पास बहुत पैसे होते हैं कि भाई मैं कंपनी बना रहा हूँ, मेरे साथ सारे शेयर ले लो, ले लो, सो दैट मेरे को पैसे मिल जाएं, है ना। तो मैंने तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, मेरे को पूरी पब्लिक के लिए शेयर नहीं वो करने पड़े, मतलब बेचने पड़े। मैं गया 10, 5, 20 जो भी जितने भी लोग जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे उनसे मैंने पैसे ले लिए, मैंने शेयर दे दिए उनको, बेच दिए उनको शेयर, है ना। हाँ, यस सर। तो बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट है, इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मनी मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के कंपैरिजन में ये फास्ट क्यों होता है बताओ? पब्लिक इशू के कंपैरिजन में फास्ट इसलिए होता है क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट उन्हीं लोगों को बेच रहे हैं जिनसे हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा, वो जो खरीदना चाहते हैं वो। हाँ, तो फिर इसमें डायरेक्ट बिक जाएगा क्योंकि हमें पता है हमें किसको बेचना है। पब्लिक में टाइम लगा के हमें करना पड़ेगा कि धीरे धीरे वो खरीदेंगे पब्लिक। क्यों? हाँ, ठीक बोल रहे हो, बाकी थोड़ा डिटेल बताओ, तुम्हें समझ में नहीं आया बेटा ये अभी लगता है। इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक होती है वो हमें नहीं पता कि वो पूरा खरीदेंगी नहीं खरीदेंगी, इसमें हम उतना ही निकालते हैं जितना कि जो फॉर्म होती है वो खरीदे और वो खरीदे। है ना। हाँ, यस सर। क्यों फास्ट होता है, क्यों होता है ये, इट हेल्प्स मोर, क्यों क्विकली होता है ये, क्योंकि आप सिर्फ 8-10 इंस्टीट्यूट से डील कर रहे हो जहां से आपको पैसे उठाने हैं, वेयरएज पब्लिक से डील नहीं कर रहे ना, पब्लिक से डील कर रहे तो बहुत टाइम लगता है। हाँ, यस सर। समझ गए ना। प्राइमरी मार्केट कैन बी एक्सपेंसिव एंड अकाउंट फॉर वेरियस मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस। तो जो तुम्हारी पब्लिक में अगर मैं जाऊंगा इसको लेके, तो फिर मेरे को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, वो एक एक्सपेंसिव अफेयर होता है, ये लाइसेंस लो, ये करो, वो करो, ये ऑडिट कराओ, बहुत सारी चीजें होती है, है ना। और क्या तरीका है, राइट इशू। राइट इशू किसको बोलते हैं? राइट इशू
राइट इशू का मतलब क्या होता है, एक तो पब्लिक इशू होता है और एक राइट इशू होता है. अच्छा, जिसमें जो हमारे अभी जो शेयर होल्डर है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनको हम न्यू वो शेयर्स इशू करते हैं. हाँ, उनको हम पहले से उनको ऑफर देते हैं कि जी ऐसा है कि हम आप हमें पैसा चाहिए, तो हमने कहा कि भाई हमारे एग्जिस्टिंग शेयरों को, शेयर होल्डर्स को हम एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि भाई आप भी खरीद लो, हम बाहर पब्लिक में नहीं बेचेंगे. हाँ, अगर आपको चाहिए तो. यस, तो लोग खरीद लेते हैं, नहीं तो नहीं खरीदते. ठीक है, आईपीओ क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली सारा कुछ हो रहा है, सारा काम. सेकेंडरी मार्केट में कि जो प्रीवियस जो इश्यू करा रखे थे, जो भी डिबेंचर जो भी सिक्योरिटीज थी, उन्हें दोबारा सेल करना. हाँ, है ना. ठीक है, तो अभी प्राइमरी का और सेकेंडरी का फर्क अब यहाँ पे मैंने टेबल में दे रखा है, तुम्हारे टेबल में रुक में भी है, तुम देख लो, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है. ठीक है. हाँ, यस. तो बस अब ये आज यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे खत्म कर देते हैं, कल हम करेंगे स्टॉक एक्सचेंज. यस. तो अब बताओ मेरे को, क्या चीज तुम्हें समझ नहीं है? ये फ्लोटेशन समझ में आया नहीं आया? अभी यहाँ तक तो आ गया मेरे को सब समझ. फ्लोटेशन तुम कह रहे थे, सब कह रहे थे कि सबसे शुरू में जब हमने क्लास शुरू करी, तुमने कहा था कि मेरे को दो तीन चीजें समझ में नहीं आई. तो फ्लोटेशन में मेरे को जो सबसे ज्यादा समझ नहीं आया था, जो बिल्कुल ही समझ नहीं आया था, वो तो मेरे को ये समझ नहीं आया है. फ्लोटेशन जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया था, वो आया था मेरे को क्या कहते हैं, एक ऑफर ऑफ सेल बिल्कुल समझ नहीं आया था. और मेरे को ऑफर फॉर सेल नहीं आया था. और ये प्रोस्पेक्टस वाला नहीं आया था. हाँ, तो ये तो आया नहीं सर, मैं आ गया सर, आ गया बिल्कुल. प्रोस्पेक्टस कि जब पब्लिक इशू निकालते हो तो प्रोस्पेक्टस तो देगा, निकालोगे ना. हाँ. आप मेरे से कह रहे मेरी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं, भाई तुम्हारी कंपनी करती क्या है? तुम्हारी कंपनी के क्या कहते हैं डायरेक्टर्स कौन है? कोई लुटेरे तो नहीं है? हाँ, यस है ना. तो सब प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है ना. हाँ. क्या कहते हैं, हमारी कंपनी ये बनाना चाहती है, हमारे पास इतने एसेट्स हैं, हमें इतना पैसा और चाहिए, इसके लिए हम रेज कर रहे हैं, है ना. हाँ, पूरा डिटेल. तो वो पब्लिक का डॉक्यूमेंट है. अब समझ में आ गया तुम्हें जो मैं बताना चाह रहा था? हाँ, बिल्कुल. यस सर.